के पास है, बट सोल के ओमेगा गॉड लाइक जोनाथन अब एक फाइट के अंदर इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं, और ये फाइट रहेगी टीम सोल और टीम गॉड लाइक। ओमेगा नॉक है, गॉब्लिन बाहर है, ये कुछ अच्छे इशारे नहीं है टीम सोल के लिए, क्योंकि आरएनटी के साथ फाइट कर ही रहे थे। गॉडलाइक की भी यहाँ पे बात करें उस रोटेशन के दौरान स्लामिन यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे नुकसान होने के काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे। अक्षत की बात की जाए तो बहुत ज्यादा लो यहाँ पे हो चुके हैं, एचपी रिकवर करने की कोशिश, 75 एचपी रिकवर करने का टाइम, चलिए वो मिल जाएगा। स्कारलेट के साथ वापस से तैयार होंगे, आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, रिफ्लेक्स चलिए उतना ज्यादा बेहतर वहां पे नहीं हो पाया, सी गॉड को नॉक करके वापस से कवर में आ जाएंगे अक्षत, लेकिन इस बार काफी ज्यादा डैमेज हो गए। ड्रॉप शॉट काफी अच्छी एक मूव थी ड्रॉप शॉट, लेकिन फायदा नहीं दे पाया। हेक्टर इकलौते खिलाड़ी रहेंगे, टीम सोल की तरफ से ग्रेनेड पिन आउट करना एक अच्छा डिसीजन रहेगा, क्योंकि यही अब एक सहारा है यहाँ पे हेक्टर के पास, क्योंकि प्लेयर्स यहाँ पे बात करें अपने पूरे नंबर के साथ आगे आएंगे, और क्या हेक्टर यहाँ पे उन्हें रोक पाएंगे। ग्रेनेड का वापस यहाँ पे पिन आउट किया गया है, ट्राई कर रहे हैं फुटस्टेप के साथ उस ग्रेनेड को थ्रो किया जा सके, तब तक पीछे जो खिलाड़ी थे नियो वो फिनिश पॉइंट निकालेंगे, और ये ग्रेनेड काफी ज्यादा बेहतर साबित होता है जोनाथन की तरफ से। ये ग्रेनेड था, हेक्टर को हिलने तक का मौका नहीं मिल पाया, और इस मैच से पार कर दिया जाएगा टीम सोल को।